दोस्तों, अगर आप फेसबुक चलाना चाहते हैं लेकिन आपके पास फेसबुक का कोई भी आईडी आपके पास नहीं है, तो अगर आप अपना फेसबुक का आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, नया अकाउंट आप अपना फेसबुक पर बनाना चाहते हैं, तो इसका पूरा कंप्लीट तरीका मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूँ, सिंपल स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जब आप अपना फेसबुक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे और जब ओपन करेंगे तो आपको फर्स्ट इंटरफेस आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो जब आप क्लिक करेंगे नीचे, जब देखेंगे तो क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ज्वाइन फेसबुक का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन देखने को मिल रहा है। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद से दोस्तों आपसे यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा, तो आप अपना जो भी नाम से अपना फेसबुक आईडी बनाना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पर इंटर करेंगे। अपना फर्स्ट नेम इसमें इंटर करेंगे और लास्ट नेम, अगर सर नेम है जैसे कि आप जो कोई भी सर नेम लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे और उसके बाद से नेक्स्ट के बटन पर टैप कर देंगे। चलिए जैसे कि मान लीजिए हम अजय कुमार के नाम से बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे अपना नाम डालेंगे अजय कुमार। अब इसके बाद से हम यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट के बटन पे टाइप कर देंगे। अब इस पे दोस्तों जैसे टाइप करेंगे इसके बाद से अब यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ अपना चूज करना है। तो आप अपना यहाँ पे कैलेंडर की सहायता से जैसा कि देख सकते हैं, आप यहाँ से इस तरीके से आपको अपना जो डेट है, अपना मंथ और ईयर यहाँ पे इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि हमारा यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ, अब यहाँ पे सेट के बटन पे टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद से आपके यहाँ पर पूछेगा कि आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं या फीमेल। अगर आप लड़का हैं तो मेल पर टैप करेंगे, अगर आप लड़की हैं तो फीमेल पे टाइप करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे मेल हैं, मेल पे टाइप करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट के बटन पे टाइप कर देंगे। इस पे दोस्तों जैसे टाइप करेंगे अब इसके बाद से आपका यहाँ पे परमिशन मांगेगा यहाँ पे, तो आपको अलाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे अलाउ करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपसे यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर अपना देना चाहते हैं अपने फेसबुक आईडी पर या फिर आप अपने ईमेल आईडी से बनाना चाहते हैं। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों आप अपने ईमेल आईडी से बनाइएगा, क्योंकि नंबर अगर देंगे तो नंबर भी आपका शो करेगा आपके आईडी पर, तो लोग परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साइन अप विथ ईमेल एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपके सामने यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांगेगा। तो जो आप अपना जीमेल आईडी आपने बना रखा है पहले से, उस जीमेल आईडी का यूजर नेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है और उसके बाद से नेक्स्ट के बटन पर आपको टैप कर देना है। जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपना यहाँ पर यूजर नेम अपना एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब इसके बाद से आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे दिया है वो आपका वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद से अब आपको अपना एक जो फेसबुक का पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पे बना लेना है, इंटर कर लेना है और उसके बाद से नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों आपको ये पासवर्ड याद रखना है ताकि जब भी आप अपना फेसबुक से लॉग आउट हो जाएँ तो आप दोबारा अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके फिर से आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग इन हो सकें। तो यहाँ पर जो भी पासवर्ड बनाइएगा उसको याद करिएगा, याद रखिएगा या फिर अपने किसी डायरी में नोट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे जैसे तो अब आपका यहाँ पे डेटा प्रोसेस होगा और यहाँ से आपका जो पूछेगा कि क्या आप ये जो लॉगिन का इन्फॉर्मेशन यानी जो आपने अपना यूजर आईडी बनाया है और जो पासवर्ड बनाया है इस मोबाइल में सेव करना चाहते हैं ताकि आपको बार बार लॉगिन न करना पड़े, जब भी आप फेसबुक खोलेंगे तो आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सेव के बटन पर टैप कर देना है और उसके बाद से दोस्तों जैसे टैप करेंगे तो अब यहाँ से फेसबुक का जो टर्म्स एंड कंडीशन है आपको यहाँ पर आई एग्री का बटन मिल जाएगा, आपको इस पर टैप कर देना है। इस पर जैसे टैप करेंगे अब यहाँ पे डेटा प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद से आपका अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा। थोड़े देर में आपका जो अकाउंट है क्रिएट कर दिया जाएगा और आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा फेसबुक पर, जैसा कि अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे करेंगे अब यहाँ से आपका भाषा पूछेगा, तो आपको भाषा यहाँ पर कंटिन्यू इन इंग्लिश पर टैप कर देना है। इस पर टैप करेंगे अब इसके बाद से दोस्तों आप अपना अगर फोटो लगाना चाहते हैं अपने प्रोफाइल
प्रोफाइल पर, तो ऐड पिक्चर पर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो सेल्फी ले सकते हैं और अपना फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। हम इसको बाद में करना चाहते हैं तो स्किप के बटन पर टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे आप इसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं कि वेलकम टू फेसबुक यहाँ पर आपका नाम दे देगा। और यहाँ से दोस्तों आपको अपलोडिंग फाइंड फास्टर, यहाँ पर फ्रेंड्स फास्टर का टर्न ऑन का बटन मिलेगा, तो आपको टर्न ऑन के बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अलाउ के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आपके जो एरिया में जो भी नियर बाई में जो भी फ्रेंड्स में होंगे सजेशन में आपको दिखाने लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि नो फ्रेंड सजेशन येट, तो नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद से दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे नोटिफिकेशन टू स्टे कनेक्टेड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर स्किप का बटन है, स्किप के बटन पर टाइप कर दीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे टाइप करेंगे तो अब यहाँ पे अलाउ के बटन पे आपको परमिशन अलाउ कर देना है। और फाइनली दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो फेसबुक का जो अकाउंट है हमारा फाइनली क्रिएट हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सब कुछ मेरा यहाँ पे आ चुका है, जो कि मैंने अपने अजय कुमार के नाम से मैंने अपना फेसबुक का न्यू अकाउंट बना लिया है सक्सेसफुली। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी जो है मेरे बताए गए स्टेप को फॉलो करके आप भी बड़े ही आसान तरीके से आप अपना फेसबुक का अकाउंट बना पाएंगे, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट तरीका स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करिए और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।